हेलो चिल्ड्रन, कैसे हो आप? आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। ये आपकी पुस्तक सारंगी से ली गई है। ये है पार्ट 8 यानी कि लेसन 8, और इस यूनिट का नाम है, इकाई का नाम है रंग ही रंग। हमें चटकीले रंग कितने अच्छे लगते हैं। जब हम चटकीले सुंदर रंग देखते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। तो यहाँ एक बहुत अच्छी सी कहानी है जो कि 3 दोस्तों के बारे में है। चलिए इसे पढ़ते हैं और देखते हैं इस कहानी में क्या है। 3 दोस्त। बात पुरानी है, तब बस 3 ही रंग थे, लाल, पीला और नीला। ये लाल है, ये पीला है और नीला है। लाल रहता था हर लजीज वस्तु में। जीज बोलना है क्योंकि जा के नीचे बिंदु लगा है। लजीज का मतलब क्या होता है? बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट। जैसे टमाटर, सेब, चेरी और आलू बुखारे। ये देखो यहाँ पे रखा हुआ, ये टमाटर है, ये सेब है, ये छोटी सी चेरी है और ये आलू बुखारा है। पीले ने बनाया था सूरज को चमकदार, क्योंकि जो पीला रंग होता है वो सूरज में भी होता है, और सूरज जब पीले रंग का होता है तो खूब चमकदार होता है। जो मुस्कुराकर देता था रोशनी लगातार, और जब सूरज पीले रंग का होता है तो सब चीज़ें पीली नज़र आती हैं और बहुत सुंदर लगती हैं। आसमान भी नीला था और समुंदर भी। आप आसमान को देखेंगे तो वो नीले रंग का होता है जब आसमान में बादल नहीं होते, और समुंदर भी नीले रंग का होता है। जहाँ आपको पानी बनाना होता है, जब चित्रकारी करते हो तो नीला रंग भरते हो ना, तो समुद्र भी नीला होता है। पेड़ों से टपकती बारिश भी नीली ही थी, और जो बारिश गिरती है वो भी नीली थी। तीनों पक्के दोस्त थे। कौन? रंग। कौन कौन से रंग? लाल, पीला, नीला। एक दिन उन्होंने कहा, हमें और दोस्त चाहिए, चलो नए दोस्त बनाएं। और वे निकल पड़े दोस्तों की तलाश में, क्योंकि जब बहुत सारे दोस्त होते तो मस्ती भी बहुत सारी होती है, तो वो और दोस्त बनाने के लिए निकल पड़े। और देखो क्या हुआ, देखो कितने खुश हैं क्योंकि ये दोस्त बनाने जा रहे हैं। लाल और पीला साथ चले। देखो साथ साथ चलने हैं ना दोनों। तो एक नया दोस्त मिला, नारंगी। तो ये नारंगी दोस्त इन्हें मिला। जब आप लाल और पीले रंग को मिलाते हैं तो नारंगी बनता है। पीले और नीले ने हाथ मिलाया, ये पीला ये नीला, इन्होंने हाथ मिला लिया तो एक नया दोस्त मिला, हरा। तो हरा रंग बन गया। लाल और नीले के पास आते ही, जब लाल और नीला पास पास आए, एक नया दोस्त मिला और वो था बैंगनी। तो इस तरह उन्होंने दुनिया को बना दिया दोस्ताना और रंगीन। ये कहानी लिखी है इंदु हरि कुमार ने। है ना कितनी इंटरेस्टिंग? चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं। बातचीत के लिए नंबर 1, क्या रंगों की तरह आप भी अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहते हैं? हाँ, दोस्तों के साथ तो सब मिलजुल कर रहते हैं, तो उत्तर कैसे लिखना चाहिए? जब हम हाँ में कहते हैं तो आप सबसे पहले हाँ लिखिए और आपकी जगह लगाइए हम। हम भी, और तो सारा प्रश्न में से आ जाएगा। रंगों, ये लिखा ना रंगों की तरह, रंगों की तरह, और यहाँ पर
अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, कुछ भी याद नहीं करना। इसमें से ही उत्तर बन जाएगा, अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो देखो है ना कितना आसान आंसर बन गया ना। बस आपको क्या करना है, क्या हटाइए हाँ लिख दीजिए और आपकी जगह हम लिख दीजिए बस, और सारा वही आपका उत्तर बन जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आप अपने रूठे मित्रों को कैसे मनाते हैं। मित्र तो रूठ ही जाते हैं ना कभी कभी, तो उससे हंसी मजाक करके, जब उसे हंसी आ जाती है ना मन जाता है, तो क्या लिखेंगे आप, हम अपने, आपका हमेशा हम करना है, हम अपने रूठे मित्रों को हंसी मजाक करके मनाते हैं। आप और भी उत्तर लिख सकते हैं, आप अपने मित्र को चॉकलेट देखकर मनाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है दोस्त तो तभी मनता है जब आप उसे हंसा दे, तो आप अपने दोस्त को हंसी मजाक करके बनाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न 3। क्या आसमान हमेशा नीला दिखाई देता है। देखो क्या जिसमें लिखा है ना, उत्तर या तो हाँ में आएगा या ना में आएगा, तो हमेशा नीला तो नहीं दिखाई देता, तो हम लिखेंगे नहीं। पहले नहीं लिखिए, नहीं में बिंदु लगाना नहीं भूलना है, कोमा लगाइए। आसमान, अब यही लिखेंगे, हमेशा नीला नहीं दिखाई देता है, रात में आसमान काला दिखाई देता है। ये भी लिख सकते हैं, जब आसमान में बादल होते हैं तो सफ़ेद दिखाई देता है। क्या सूरज हमेशा पीला होता है, तो जब निकलता है सूरज और शाम को जब छिपता है तो नारंगी होता है। तो यहाँ भी क्या हटा के नहीं लिखना है, नहीं, सूरज सुबह को, या लिखिए उदय होते समय, या लिखिए निकलते समय और छिपते समय, नारंगी रंग का होता है। क्या पत्ते हमेशा हरे होते हैं, यहाँ भी नहीं लिखना है, नहीं, पत्ते हमेशा हरे नहीं होते, जब पत्ते सूख जाते हैं तो वो पीले या भूरे रंग के हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आप नए मित्र कैसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं हम नए मित्र, नए लोगों से बातचीत करके बनाते हैं। भाई बात नहीं करोगे तो दोस्त कैसे बनेगा, उनसे उनके साथ खेलते हैं तो आप कैसे कहोगे, हम नए बच्चों से बात करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, और हंसी मजाक करते हैं। ये भी कह सकते हैं, उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। इसके उत्तर बहुत सारे हो सकते हैं, तो जो आप जैसे अपना दोस्त बनाते हो ना वैसे उत्तर लिखना है आपको। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे के कहानी में आए रंगों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से रंग आए हैं, सबसे पहले था लाल, फिर था पीला, फिर था नीला,
और जब लाल और पीला बने तो बना था नारंगी, और जब लाल और नीला बने थे मिले थे तो तब बना था बैंगनी, और जब पीला और नीला मिला था तब बना था हरा। तो ये रंग आए थे, सारे रंगों के नाम लिखने हैं आपको। चलिए अब हम आगे देखते हैं, वाक्य पूरा करें। तीनों रंग पक्के दोस्त थे, फिर भी उन्होंने नए दोस्त बनाए, क्योंकि वह, देखो यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, दोस्ताना और दुनिया को दोस्ताना और रंगीन बनाना चाहते थे, क्योंकि वह दुनिया को रंगीन व दोस्ताना, यानी कि जब दोस्त बहुत सारे होते हैं, बनाना चाहते थे। ऐसे आपको लिखना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न है, विद्यालय में नारंगी, हरी, बैंगनी रंग की वस्तुओं को खोजिए, उनके नाम भी लिखिए। तो नारंगी रंग का आपके स्कूल में क्या होगा? नारंगी रंग के आपके स्कूल में फूल होंगे। और क्या हो सकता है नारंगी रंग का? नारंगी रंग के आपकी दीवार हो सकती है, दीवार का पेंट हो सकता है, दरवाजे हो सकते हैं। अगर आपके सर आपको बॉल खेलने के लिए देते हैं तो गेंद भी हो सकती है। अब हरी वस्तु, हरी वस्तु का सबसे पहले तो लिखेंगे पत्ते होते हैं। और क्या होते हैं हरे रंग के? हरे रंग की गेंद भी हो सकती है। और क्या हो सकता है? पेंसिल हो सकती है किसी के पास, आपके पास भी हो सकती है पेंसिल। और बस्ता भी हो सकता है हरे रंग का, लंच बॉक्स भी हो सकता है। बैंगनी वस्तुओं के नाम लिखिए। बैंगनी वस्तु में एक तो पहले तो फूल लिखिए आप, फूल बैंगनी रंग के भी होते हैं। और इसमें आप लिख सकते हैं कि लंच बॉक्स हो सकता है, लंच बॉक्स। दीवार हो सकती है, हो सकते हैं खिलौने हो सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये आपको एक एक्टिविटी है, इसमें क्या करना है कि आप अखबार बिछाइए मेज के ऊपर, और कप में तीन रंगों को पानी में घोलिए, लाल, पीला, नीला, और ड्रॉपर की सहायता से, ये ड्रॉपर है, इसमें भर लीजिए और इनकी बूंदें डालिए। ड्रॉपर क्या होता है? जिससे कान में दवाई भी डालते हैं, तो उसमें भर लीजिए और फिर अलग अलग रंग की बूंदों को अलग अलग डालिए, तो दूसरे दूसरे रंग बनेंगे। तो ये आपको करके देखना है। आ की मात्रा वाले रंग लिखिए। आ की मात्रा लाल में आती है, हरा में आती है, काला इसमें आती है। अब बिना आ की मात्रा वाले, बिना आ की मात्रा वाले रंगों में बैंगनी रंग आएगा। बैंगनी के बाद नारंगी रंग आएगा। अब यहाँ पे आपको चित्रकारी करनी है, अपने पसंद का कोई भी रंग आप ढूंढिए और फिर उनकी जो भी उससे चीज़ें याद आती हैं तो वो आप बनाइए। मान लीजिए आपको हरा रंग अच्छा लगता है, जो भी आपको जिस रंग की चीज़ याद आ रही है वो आप ऐसे बना लीजिए। के बारे में यहाँ पर आपको वाक्य भी लिखने हैं, उनके चित्र बनाएंगे और कुछ वाक्य भी लिखिए। चलिए पहले हमने आम बनाया ना, तो लिखिए मुझे कच्चा आम पसंद है। इसके बाद यह पत्ते, हरा
हरे रंग के पत्ते आज की प्रदान करते हैं। इसके बाद हमने क्या बनाया, ये बॉल। मेरी गेंद हरे रंग की है, हरे रंग की है, ठीक है। तो इसके जो बाकी हिस्सा है वो अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। आपको समझ में तो आ गया है ना सब कुछ, तो अगली वीडियो तक वेट करिए। बाय बाय।